हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी संडे, क्योंकि ये वीडियो संडे के टाइम लाइव होने जा रहा है। और उसके साथ साथ भाई साहब, आज जो न्यूज़ आई है ना भाई, दिल को खुश कर गया। सुबह सुबह उठ के मैंने देखा कि रियलमी U1 में भाई अपडेट आया है। मतलब UI करते करते UI निकल रहा है मुँह से, रियलमी U1 में अपडेट आया है। मतलब एक पुराने डिवाइस जहाँ पे कलरवेज 6 चलता है, वहाँ पे जाके फाइनली हमें अपडेट देखने को मिला है। और क्या है क्या नहीं है वो तो मैं खैर बता ही दूंगा। उसके साथ साथ रियलमी 2 एंड C1 यूजर्स जो लोग हो, मतलब जिन लोगों के पास रियलमी 2 एंड C1 है, मतलब ये जो फ़ोन है जिन लोगों के पास, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ क्या आने वाला है नहीं आने वाला है। वीडियो भाई बहुत मज़ेदार होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते भाई U1 के बारे में। रियलमी U1 में एक अपडेट आया है और जिस अपडेट का वर्जन नंबर है RMX1831EX11.023। इससे पहले जो अपडेट आया था रियलमी U1 यूजर्स को वो 22 था। अब देखो भाई, रियलमी U1 में अपडेट नहीं आया, रियलमी U1 में अपडेट दिया गया है। अब देखते हैं कि Realme 2 एंड C1 में क्या करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दिसंबर 2020 का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइज सिस्टम स्टेबिलिटी। अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें रिसर्च लगाए तो भाई नवंबर में लास्ट अपडेट आया था, उसके बाद जाके जनवरी में लास्ट अपडेट मिला है और लोगों ने पोस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है कि भाई अपडेट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो मतलब हमें अपडेट देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो Realme 2 को लास्ट अपडेट मिला था वो नवंबर में मिला था। मैं वो भी आप लोगों को एक बार चेक करके बता देता हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिए। जो लास्ट अपडेट मिला था Realme 2 को वो बेसिकली मिला था नवंबर मंथ में। ठीक है, हमें लास्ट अपडेट मिला था तो दिसंबर में कोई अपडेट नहीं मिला। तो अभी एज पर Realme, जैसे Realme बताता है कि हम लोग 2 महीने में एक अपडेट देंगे, तो हो सकता है कि Realme 2 में भी जनवरी मंथ में एक अपडेट रिसीव हो। और जो चांस है वो अभी है और अभी इसी वक्त ही है, क्योंकि इसी टाइम में अपडेट रिसीव होने वाला हो सकता है। जैसे कि 26 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, इसी अंदर Realme 2 में अपडेट रिसीव होगा। और जहाँ तक बात करते हैं Realme C1 की, तो उनका भी बिल्कुल ऐसा ही केस है। Realme C1 भी आप लोग देख पा रहे हो कि नवंबर में लास्ट अपडेट रिसीव हुआ था। ये देखिए, नवंबर में लास्ट अपडेट रिसीव हुआ था। यहाँ पे काफी लोगों ने क्वेश्चन किया Realme C1 में क्या एक न्यू अपडेट आएगा, तो मुझे लगता था कि नहीं आएगा यार, नहीं देगा, कोई भी अपडेट नहीं देगा ओल्डर डिवाइस को। पर Realme U1 में फाइनली अपडेट देखने को मिला और Realme U1 का भी एक साल काफी आराम से क्लियर हो चुका है, फिर भी Realme U1 को अपडेट दिया। उसके साथ साथ जो नवंबर अपडेट आया था Realme 2 एंड C1 में, वो भी एक साल के बाद ही आया था। मतलब उन लोगों ने, मतलब जो है 3 सालों तक हमें सिक्योरिटी पैच वो दे सकते हैं। अगर Realme U1 में दे सकते हैं तो Realme 2 एंड C1 में भी ज़रूर आएगा। और जहाँ तक बात करते हैं Realme U1 की, तो Realme U1 में जो लास्ट अपडेट रिसीव हुआ था वो काफ़ी पहले रिसीव हुआ था। मतलब लास्ट अपडेट की बात तो अभी कोई कर नहीं रहा है, जो अपडेट था वो पुराना था। तो यहाँ पे शायद ही हमें अपडेट और देखने को ना मिले। पर Realme U1 में अगर आया है तो Realme 2 एंड C1 में भी आने का 100% चांस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही, मैंने बता दिया अपडेट आएगा कि नहीं आएगा। अभी आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में। U1 कि आने के बाद मेरा उम्मीद और ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले तो उम्मीद नहीं था, मुझे लग रहा था कि नहीं देगा, अब जाके मुझे देखने को मिल रहा है कि हाँ भाई आ सकता है, क्योंकि U1 को भी मिला है। तो भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं लोगों का क्या लगता है आएगा या नहीं आएगा। भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।